नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजबीर क्लासेस पर। तो हम करें क्लास 9 मैथ एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज एंगल सी इजकल टू 90 डिग्री, ए बी इजकल टू 9 मीटर, बी सी इजकल टू 12 मीटर, सी डी इजकल टू 5 मीटर एंड ए डी इजकल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? ओके, एक पार्क है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल शेप का पार्क है ए बी सी डी। इसमें एंगल सी 90 डिग्री दिया है, ए बी 9 मीटर, सी बी 12 मीटर, सी डी 5 मीटर एंड ए डी 8 मीटर ये दिया है। और हमसे इस पूरे इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया पूछा है। मैं इस पॉइंट बी और डी को मिला देता हूँ, यहाँ तक मिला दिया। अब ये दो ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ए बी डी ये वाली प्लस बी सी डी ये वाली ट्रायंगल। मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ और इसका एरिया निकाल लेता हूँ, बाद में दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया हो जाएगा। इसका एरिया निकालने के लिए मुझे ये साइड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दो साइड हैं तीसरी का, और ये साइड मुझे यहाँ से मिल जाएगी क्योंकि इसमें 90 डिग्री दिया है। और जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल दिया हो तो पाइथागोरस थ्योरम, यानी ये जो हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर इजकल टू इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इजकल टू एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी। इस ए बी डी का इसका एरिया और बी सी डी इसका एरिया, ये दोनों निकाल करके ऐड करूँगा। तो पहले मैं बी डी पाइथागोरस थ्योरम से बी डी स्क्वायर इजकल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, फाइव स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, फाइव यानी 25 प्लस 12 स्क्वायर 144, यानी इजकल टू 169। बी डी स्क्वायर ही आ गया, तो बी डी कितना होगा? बी डी होगा प्लस माइनस अंडर रूट 169, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में था ना, स्क्वायर में है तो इसके दो वैल्यू निकलेंगे, यानी ये आ जाएगा इजकल टू प्लस माइनस 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, और माइनस 13 हो नहीं सकता, किसी भी साइड की साइज माइनस 13 नहीं होती, इसलिए प्लस 13। सो बी डी आ गया हमारा 13। तो ए बी डी 13 आ गया, 13 मीटर। तो अभी हम हमारी तीनों साइडें होगी, यानी साइड ए इजकल टू 9 मीटर, बी इजकल टू 8 मीटर एंड सी इजकल टू 13 मीटर। और ये कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? ट्रायंगल ए बी डी है, यानी इन ट्रायंगल ए बी डी तीनों साइड आ गई। एस निकाल सकते हैं हम, एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए बी सी ये हैं, 9 प्लस 8 प्लस 13 बाई टू है ना, यानी एस इजकल टू 9 और 8 17 प्लस 13 30 बाई टू, 2 1 जा 2 2 15 जा, यानी एस आ गया आपका 15। और अगर एस 15 आ गया तो भाई हीरोन फार्मूला एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई हीरोन फार्मूला एरिया इजकल टू अंडर रूट एस
इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। रख दो वैल्यू इजकल टू अंडर रूट एस कितना है 15 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 15 माइनस 8 इंटू 15 माइनस 13। इजकल टू अंडर रूट 15 इंटू 15 में से 9 गए 7 9 गए 6 15 में से 8 गए 7 15 में से 13 गए 2। ठीक इनको और छोटा कर लो एन एरिया इजकल टू अंडर रूट 15 के दो करा मैं 3 इंटू 5 टू 6 का करा 2 इंटू 3 7 और 2 का नहीं होगा ऑलरेडी प्राइम है इंटू 7 इंटू 2 तो हो जाएगा 1 3 ये है 1 3 बाहर आ गया 1 3 1 2 है 1 2 बाहर आ गया 2। अभी 5 एंड 7 इंटू रूट 35 ये बाहर नहीं आया तो अभी हमें रूट 35 को निकालना पड़ेगा फिर इनके साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो रूट 35 निकालते हैं हम। ये देखिए 35 स्टार्टिंग में किससे डिवाइड करूं इसको जो यहाँ लिखूंगा वही यहाँ लिखा जाएगा 4 4 जा 16 बहुत कम रह गया 5 5 जा 25 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाता है तो 5 5 5 5 5 जा 25 माइनस किया 0 10 बचा आगे नहीं जाता पॉइंट लगा के आगे 0 लगा देता हूँ तो यहाँ भी पॉइंट ऑलवेज नीचे पैर में उतरता है ये दो एक साथ उतरेंगे 0 0 अभी जो भी ये है इसका डबल यहाँ लिखा जाएगा यानी 5 है तो उसका डबल 10। अभी यहाँ क्या लिखूँ जो यहाँ लिखूँगा वही यहाँ लिखूँगा ताकि इससे ऊपर न जाए यानी ये जाएगा यहाँ पर 9 क्योंकि 9 9 जा 81 9 1 जा 9 981 हो जाता है तो ये हो गया 981 बच गए 19 दो जीरो और उतार ली हमने ऊपर से ऑलवेज पेयर में आते हैं ओके। अब ये जो हैं 5 और 9 पॉइंट को भूल जाओ उसका डबल यहाँ आएगा 5 और 9 का डबल 50 का डबल 100 9 का डबल 18 118। अब यहाँ पर क्या लिखूँ और वही ऊपर लिखना पड़ेगा तो 1 ही लिख सकता हूँ क्योंकि 2 लिखते हैं तो 11 2 जा 22 के कुछ जाएगा तो बड़ा हो जाएगा तो 1 1 1 1 8 1 आगे 19 और यहाँ 790 यानी अप्रोक्सीमेट 5.91 है ये अप्रोक्स है तो आंसर अप्रोक्स में आएगा तो यानी इसकी जगह मैं लिख देता हूँ इजकल टू 3 2 जा 6 इंटू 5.91 इजकल टू 6 1 जा 6 6 9 जा 54 करी हुआ 5 6 5 जा 30 30 प्लस 5 35
दो छोड़ के पॉइंट है, यानी 35.46 अप्रोक्सीमेट, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इजकल टू 35.46। ये 5 या इससे ऊपर हो जाता आगे वाला तो हम इस पहले वाले को एक बढ़ा देते हैं, यानी 35.5, और ये अप्रोक्स है। तो एक ट्रायंगल का एरिया तो हमारा निकल के आ गया, अभी दूसरे का और निकाल लेते हैं और फिर दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी निकाल रहे हैं, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी वो होता है हाफ इंटू बेस, क्योंकि 90 डिग्री है हाइट मिला हुआ हमें, बेस इंटू हाइट। यह हो जाएगा हाफ इंटू बेस, कितना है 5 मीटर। चाहे बेस इसको मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। अगर बेस 5 है तो हाइट 12 होगा, अगर बेस 12 है तो हाइट 5 हो गई, वो दोनों मल्टीप्लाई में आते हैं। हाफ इंटू 5 इंटू 12, 2 1 2, 2 6 12, 5 6 30 इजकल टू 30 स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या था, 35.5 स्क्वायर मीटर। ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी का ये है, ए बी डी का ये है, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, जो दोनों हमारे आ चुके हैं। यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इजकल टू 35.5 इजकल टू, पहले एक बार वो लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी इजकल टू ए बी डी का है 35.5, 35.5 मीटर स्क्वायर प्लस बी सी डी का है 30 मीटर स्क्वायर इजकल टू 30 प्लस 35, 65.5 मीटर स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिखो अप्रोक्स। अप्रोक्सीमेट, तो ये आपका आंसर होगा। होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि चैनल प्रमोट हो और मैं खुशी खुशी नए नए वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँ। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर मैथ।